अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मज़ेदार सी काले चने की चाट की रेसिपी। जी तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है, और अगर नहीं भी कर रहे तब भी ये चाट बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं चाट बनाना। चना चाट के लिए मैंने ब्लैक चने लिए हैं। ब्लैक चने मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, और जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, और स्पेशली शुगर पेशेंट है अगर कोई तो उनके लिए भी ये चने बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये प्याज। ये प्याज मैंने 15 मिनट ठंडे पानी में काट के भिगो दिया था, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसल के पानी निकाल दिया है, और प्याज ये रहा। इसके अलावा ये इमली मैंने 2 चम्मच ली थी। 2 चम्मच इमली को मैंने भिगो दिया था और उसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब ये पल्प है हमारे पास। इसके अलावा हमें कुछ ये वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। कुकम्बर, खीरा, एक खीरा लिया है मैंने मीडियम साइज़ का। एक टमाटर, ये भी मीडियम साइज़ का है। 3 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और 2 चम्मच मैंने ये बंद गोभी ली है। आप चाहें तो सलाद पत्ता भी ले सकते हैं। सलाद पत्ता है मेरे पास, लेकिन मैं वो नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे चाट में सलाद पत्ता इतना पसंद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी, इसमें मैं ये ब्लैक चने डाल दूँगी जो कि मैंने पहले से उबाल लिए हैं। अब मैं इसमें ये प्याज भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी। सारी सब्जियां भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके ऊपर इमली का पानी डालूंगी। ये इमली का गूदा जो हमने निकाल के रखा था ये भी डाल देंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। ये नमक भी इसमें चला गया, ये 1/2 चम्मच नमक लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसमें ये 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डालूंगी। काली मिर्ची ली है मैंने ये, और चाट मसाला। चाट मसाला ये मैंने होममेड बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो मैंने सारी सब्जियाँ इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, और चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये चाट 2 से 3 लोग खा सकते हैं अगर वो डाइटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उन्हें कम खाना चाहिए ताकि उनका वेट जल्दी लॉस हो। और ये चाट जो लोग डाइट नहीं कर रहे वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े की और फुल ऑफ प्रोटीन है। ये आप हेल्प करेगी आपके वेट को जल्दी से लॉस करने में, और ये फुल ऑफ प्रोटीन है तो इसलिए आपको वीकनेस भी नहीं होगी जब आप डाइटिंग करेंगे तो। तो इस चाट को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये कैसी बनी है। देखिए कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके। डिलीशियस। जी तो ऐसे ही और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जी तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।